अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट अवर वर्क ऑफ मैथ फॉर क्लास 7। ओपन योर बुक पेज नंबर 8, एक्सरसाइज 1.2। स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उन्होंने क्या दिया है, हमें सेट्स दिए हैं और कहा है हमने फाइंड करना है यूनियन को। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, यानी कि कंबाइन कर देना। जितने उन्होंने हमें सेट दिए हैं उन सब के एलिमेंट्स को कंबाइन करना। जब हम कंबाइन कर देते हैं तो वो इसका क्या होगा, यूनियन। लेकिन हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि दो एलिमेंट्स सेम जो हैं वो इसके अंदर ना आए। मतलब अगर दो इन्होंने हमें सेट दिए हैं, इसमें भी वन है, इसमें भी वन है, इसको यूनियन के तौर पर जब हम इकट्ठा करेंगे तो वन जो है वो हम इसमें एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी पर आएँ। पार्ट वन है, ए सेट है 1, 3, 5 और बी सेट है 1, 2, 3, 4। तो हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड करना है। यूनियन को जो है डिनोट करते हैं यू से, एस से। तो हमने क्या करना है, ए और बी का यूनियन जो है वो निकालना है, फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी लिखेंगे पहले ए का सेट 1, 3, 5, दरमियान में किसका साइन लगाएंगे, यू का, यानी कि हम इन दोनों का क्या फाइंड करने लगे हैं, यूनियन। और बी का सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4। तो अब इसका फाइंड करते हैं ए यूनियन बी क्या होगा, देखते हैं। 1 इसमें क्या है, 2, 3 क्या है, दो दफ़ा, लेकिन कितना दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा, 3, 4 और 5। तो ये क्या है, ए यूनियन बी, 1, 2, 3, 4, 5। दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स भी आ गए और जो सेम है वो एक दफ़ा ही लिखने हैं। नेक्स्ट है बी पार्ट, एस है ए बी सी, टी है सी डी ई। तो एस यूनियन टी, तो पहले क्या करेंगे, एस का सेट लिखेंगे ए बी सी, और दूसरा क्या करेंगे, यूनियन, फिर सेट लिखेंगे टी का, सी डी ई। तो एस यूनियन टी है, फाइंड करते हैं ए बी सी, आगे क्या है, डी और ई, ए बी सी डी ई। नेक्स्ट है एक्स है 2, 4, 6, 8, 10 और वाई क्या है 1, 5, 10। तो हमने क्या करना है, इसके यूनियन फाइंड करना है, एक्स यूनियन वाई 2, 4, 6, 8, 10 यूनियन 1, 5, 10। तो फाइंड करते हैं एक्स यूनियन वाई क्या आएगा, देखें 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 भी है। तो क्या लिखेंगे, 1, 2, आगे क्या है, 4, 4 के बाद यहाँ पर क्या है, 5, 5, 6, 8 और 10 जो है इसमें भी है और इसमें भी है। तो क्या करेंगे, 1 टाइम लिखेंगे 10, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10। नेक्स्ट है 4, सी सेट है आई ओ यू, डी सेट है ए ई ओ, ई सेट है आई ई यू। अब क्या है, 3 सेट दिए हैं और तीनों सेट का कहा है यूनियन फाइंड करना है इकट्ठा। तो क्या करेंगे, जब 3 सेट का दिया जाए तो क्या करते हैं, दो जो सेट होते हैं उनको करते रहते हैं ब्रैकेट्स में, एस यूनियन डी। जैसे कि जब इन दोनों का यूनियन फाइंड हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, उसको यूनियन करना है, इकट्ठा करना है तीसरे सेट के साथ जो कि है ई। समझ आ गई है, जैसे कि अब देखें, अब पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे, सी और यूनियन डी करेंगे। तो क्या करेंगे, देखें ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें क्या करेंगे, सी का पहले आई ओ यू, यूनियन डी का ई ए ई ओ। तो ये क्या हो गया, ब्रैकेट के अंदर इसका, और यूनियन किसका करना है साथ, जब इन दोनों का आंसर आ जाएगा किसके साथ करना है, आई ई और यू का। तो पहले ब्रैकेट में करके देखते हैं, देखें आई इसमें आई नहीं है तो क्या आएगा, आई ओ इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ओ जो है वो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा लिखेंगे ओ। अब देखें यू यहाँ है, यहाँ नहीं है यू, अब यहाँ रह गया ई, तो क्या आएगा ई। तो ये क्या आ गया, इन दोनों का यूनियन आई ओ यू ई। अब इन दोनों का आंसर आ गया, आप क्या करेंगे, यूनियन किसके साथ करेंगे, ई सेट के साथ, वो क्या है आई। यहाँ पर जो है ना ए भी रह गया था, वो भी लिखेंगे ए भी आएगा। अब यूनियन किससे करना है, ई वाले सेट से, आई ई यू। अब करके देखते हैं, सी यूनियन डी, इसका जो आपके साथ हम यूनियन किसका कर रहे हैं, ई का। तो करके देखते हैं क्या आएगा, ए आई इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन कितना दफ़ा लिखेंगे, एक दफ़ा, ओ ई इसमें भी है इसमें भी, एक दफ़ा ही लिखेंगे, और यू इसमें भी है और इसमें भी, तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, ए आई ई ओ यू। तो ये क्या है, वोवल लेटर्स। तो हमने क्या कर दिया, इनका यूनियन। नेक्स्ट है 5 पार्ट, एल 3, 6, 9, 12, एम सेट है 6, 12, 8, 24, एन सेट है 4, 8, 12, 6। अब फिर 3 सेट का बता दिया है और कहा यूनियन फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले दो का ब्रैकेट में, एल यूनियन एम, इसका हम ब्रैकेट में लेंगे और इसका जो आंसर आएगा उसका यूनियन किससे करेंगे, एन के साथ। तो करके देखते हैं, पहले ब्रैकेट में किसका, 3, 6, 9, 12।
किस में करना है, एम के साथ, 6, 12, 18, 24, ये ब्रैकेट में आंसर आएगा जिसका, उसको यूनियन करेंगे 4, 8, 12 और 16 के साथ। पहले ब्रैकेट सॉल्व करके देखते हैं, अब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 3। अब 6 देखिए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो 6 क्या करेंगे वन टाइम लिखेंगे, आगे 9, आगे क्या है 12, यहाँ भी और यहाँ भी एक दफ़ा लिखेंगे, आगे क्या रहेगा 18 और 24। अब इसका यूनियन किससे करना है हमने, 4, 8, 12 और 16 से, तो करके देखते हैं क्या आएगा, 3, यहाँ पर क्या है 4, आगे नेक्स्ट 6, नेक्स्ट क्या है 8, 9, अब क्या है 12, यहाँ पर भी वन टाइम लिखेंगे 16, लास्ट क्या रहेगा 18 और 24, तो ये इसका क्या हो गया यूनियन, 3, 4, 6, 8, 9, 12 और ये क्या था 16, 18 और 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब उन्होंने क्या दिया है, हमें सेट्स दिए हैं और कहा है इंटरसेक्शन फाइंड करें, पहले हमने यूनियन फाइंड किया था, अब क्या करना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो होता है इस तरह, इसको उर्दू में तकाते कहते हैं और इंग्लिश में इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कुछ सेट्स अगर दिए हैं और कहा है इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो हमने क्या करेंगे उन दोनों का कॉमन जो होंगे वो हम उसमें निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, इंटरसेक्शन। तो कॉपी पर करते हैं, कॉपी खोलें, स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है पी 0, 1, 2, 3 और क्यू क्या है -3, -2, -1, 0। हमने क्या करना है इंटरसेक्शन फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन क्यू, तो क्या करेंगे पहले P का सेट लिखेंगे 0, 1, 2, 3 इंटरसेक्शन, Q का सेट लिखेंगे -3, -2, -1, 0। अब देखना है जो कॉमन है यानी कि जो एक जैसे हैं हमने वो लेने हैं, यानी कि अब यूनियन में हम इकट्ठा करते थे लेकिन इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे कि जो सेम है जो एक जैसे हैं हम वो लिखते हैं। अब देखिए 0 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसका मतलब है यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 1 है लेकिन यहाँ पर क्या है -1, यहाँ 2 है यहाँ -2, यहाँ 3 है -3। अब यहाँ पर इनके साथ साइन नहीं है, जिसके साथ साइन नहीं होता इसका मतलब है वहाँ उसके साथ क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर अब क्या है माइनस के और यहाँ पर क्या है प्लस के, तो क्या आएगा जस्ट 0, तो ये इसका क्या है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट 2 है, एम सेट है 1, 2, 1, 2 आगे कहाँ तक है 10 तक, आगे एन है 1, 3, 5, 7, 9 तक, ठीक है। अब क्या करना है इसका इंटरसेक्शन, M इंटरसेक्शन N, क्या करेंगे M का सेट लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इंटरसेक्शन किससे कर रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9। अब देखें 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, यानी कि एक जैसा है 1 लिखेंगे, 2 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है नहीं लिखेंगे, 3 यहाँ पर है यहाँ पर भी है 3 लिखेंगे, 4 यहाँ है यहाँ नहीं है नहीं लिखेंगे, 5 यहाँ है तो क्या करेंगे सेम है 5 लिखेंगे, आगे 6 नहीं है नेक्स्ट 7 तो क्या करेंगे 7 लिखेंगे, 8 नहीं है नेक्स्ट क्या है 9 लिखेंगे, 10 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या आएगा 1, 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट है 3 पार्ट, ए 3, 6, 9, 12, 5 और बी क्या है 5, 10, 15, 25। तो हमने इसका क्या करना है इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी, सेट लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 15 इंटरसेक्शन 5, 10, 15, 25। तो फाइंड करते हैं, देखें 3 यहाँ पर है यहाँ नहीं है नहीं आ सकता, 6 यहाँ है यहाँ पर नहीं है नहीं आएगा, 9 यहाँ है यहाँ नहीं है यहाँ नहीं आ सकता, 12 यहाँ पर है यहाँ नहीं है, 15 यहाँ पर 15 है और यहाँ पर भी 15 है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा 15। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है और यहाँ पर क्या है 25, तो क्या इंटरसेक्शन आएगा 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यू है -1, -2, -3, वी है 1, 2, 3 और डब्ल्यू है 0, +1, +-1, +2। हमने करना है अब 3 सेट दे दिए हैं और इंटरसेक्शन फाइंड करना है, जैसे यूनियन में ब्रैकेट्स के करके किया था इसका भी वैसे ही करेंगे, पहले करेंगे यू और वी का फाइंड करेंगे ब्रैकेट में और जो आंसर आएगा उसका किसके साथ करेंगे डब्ल्यू के साथ, तो करते हैं -1, -2, -3 इंटरसेक्शन किसका है, आगे वी लिखेंगे 1, 2, 3, ठीक है। आगे इसका जवाब आएगा उसको किसके साथ करेंगे 0, +-1, +-2,
टू। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस वन है, यहाँ पर क्या है वन, तो इसका मतलब है यहाँ पर ये नहीं आएगा, जहाँ माइनस टू है यहाँ पर क्या है टू, नहीं आएगा यहाँ माइनस थ्री और यहाँ पर क्या है थ्री, इसका मतलब है इन दोनों का जो जवाब आएगा वो क्या होगा खाली सेट। खाली सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं कि बिल्कुल खाली, ठीक है। आगे क्या है, इन दोनों का जवाब खाली सेट आया है। नेक्स्ट तो जो है इंटरसेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू। अब इस सेट के अंदर जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू है, लेकिन इस सेट के अंदर क्या है कुछ भी नहीं, तो इसका जवाब क्या आएगा खाली सेट। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इस तरह भी खाली सेट को जाहिर कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइव क्वेश्चन, एक्स दिया है, वाई सेट दिया है और जी दिया है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तीन सेट हैं, इसी तरह करेंगे ब्रैकेट के अंदर पहले दो का एक्स और वाई का, पहले ब्रैकेट में जो उसका आंसर आएगा उसका करेंगे जी के साथ, इंटरसेक्शन जी। तो क्या करेंगे, पहले x का सेट लिखेंगे, वो क्या है a l m, फिर किसका है y का लिखेंगे, वो क्या है i s l a m, और इंटरसेक्शन लास्ट में जिसका आंसर आएगा उसके ऐसा करेंगे l i o n। तो पहले करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, आप देखें यहाँ पर a है लेकिन यहाँ पर नहीं है, नहीं आएगा, यहाँ पर l है यहाँ पर है l लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो क्या लिखेंगे a लिखेंगे, L भी है और M भी है, तो M यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो क्या लिखेंगे M, L A M, इन दोनों का आंसर आया है L A M, ठीक है। नेक्स्ट है किसके साथ करना है, सेट Z के साथ, कौन क्या है उसके अंदर L I O N, तो करते हैं इन दोनों को, L यहाँ पर है और यहाँ पर भी है, L लिखेंगे, आगे क्या है A यहाँ पर है यहाँ नहीं है, M यहाँ है यहाँ पर नहीं है, तो क्या इंटरसेक्शन आया L। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, इफ n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, n क्या है नेचुरल नंबर्स एंड w सेट ऑफ होल नंबर्स, और अगर w जो है वो क्या है होल नंबर्स, देन फाइंड n यूनियन w, n और यूनियन w फाइंड करें और n इंटरसेक्शन w, तो हमने फाइंड क्या करना है n यूनियन w और n इंटरसेक्शन w, तो कॉपी पर आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेट, n सेट कौन सा है नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं वन टू थ्री, कोई लिमिट नहीं बताई, तो चलते जाएंगे, और w क्या है होल नंबर्स, होल नंबर किससे स्टार्ट करते हैं जीरो से, जीरो वन टू आगे चलते जाएंगे। अब उन्होंने क्या कहा है, पहले क्या फाइंड करना है एन यूनियन डब्ल्यू, एन यूनियन डब्ल्यू, तो क्या करेंगे एन का सेट लिखेंगे वन टू थ्री फोर चल रहे हैं, आगे यूनियन डब्ल्यू का लिखेंगे जीरो वन टू चल रहे हैं। अब क्या है इसके अंदर नेचुरल नंबर में सारे हैं लेकिन क्या नहीं है जीरो नहीं है, और यहाँ पर डब्ल्यू होल नंबर्स में क्या है जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, यूनियन करना है तो इसका मतलब है ये कब से कहाँ से स्टार्ट होंगे, अब जीरो से, जीरो वन टू थ्री इकट्ठे करके लिख दिए हैं, तो ये क्या आ गया एन यूनियन डब्ल्यू। अब फाइंड करना है एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू, तो क्या करेंगे पहले एन का लिखेंगे वन टू थ्री फोर और फिर लिखेंगे डब्ल्यू का सेट, वो क्या है जीरो वन टू थ्री। अब इसके अंदर कॉमन क्या है देखें, वन टू थ्री फोर ये वन टू से स्टार्ट हो रहा है और ये क्या है यहाँ पर सिर्फ जस्ट एक जीरो है, उसके अलावा बाकी सारे सेम हैं, तो यहाँ पर बाकी सारे आ जाएंगे लेकिन जस्ट जीरो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर जीरो नहीं है, तो क्या लिखेंगे वन टू थ्री फोर और ये चलते जाएंगे और ये क्या है इसका इंटरसेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, इफ पी सेट ऑफ प्राइम नंबर, पी जो है वो प्राइम नंबर्स हैं एंड सी सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, और सी क्या है कंपोजिट नंबर है, देन फाइंड पी यूनियन सी एंड पी इंटरसेक्शन सी। प्राइम नंबर क्या है जो कि अपने और सिर्फ अपने टेबल और वन के टेबल पर आते हैं वो क्या होंगे प्राइम नंबर्स, और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं जो वन और अपने अलावा बाकी सबके टेबल्स पर भी आ सकते हैं, तो वो कौन से होंगे कंपोजिट नंबर्स। तो स्टार्ट करते हैं, कॉपी खोलें, तो P सेट लिखते हैं पहले, P क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन से होते हैं वन सॉरी टू थ्री फाइव सेवन इलेवन और ये आगे। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, C सेट कौन सा होगा, वन जो है वो अपने ही टेबल पर आता है, टू वो अपने और वन के टेबल पर आता है, थ्री भी ऐसे ही है, तो स्टार्ट कहाँ से होंगे फोर, फाइव जो है उसे वो क्या है प्राइम नंबर, फाइव नहीं आएगा क्या आएगा सिक्स, सेवन नहीं आएगा क्या आएगा एट, आगे नाइन नहीं आएगा, आगे आएगा नाइन क्योंकि ये क्या है कंपोजिट नंबर बाकी टेबल्स पर भी आता है, टेन इलेवन नहीं आएगा, आगे थर्टी ट्वेल्व, ठीक है इस तरह ये चलते जाएंगे, ये क्या है कंपोजिट नंबर्स। अब क्या करना है पहले फाइंड करना है पी यूनियन सी,
तो क्या करेंगे, पहले पी का लिखेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और यूनियन लिखेंगे अब सेट सी का, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ये चलते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, यूनियन मतलब इकट्ठा कर देना। स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, क्योंकि यहाँ पर भी 1 नहीं है और यहाँ पर भी 1 नहीं है। 2, 3 यहाँ पर क्या है, 4, 5, 6 यहाँ पर है, 7 यहाँ है, 8, 9 यहाँ है, 10 भी यहाँ है, 11 यहाँ, आगे 12 आगे ये चलते जाएंगे, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर दिया है। अब क्या फाइंड करना है, पी इंटरसेक्शन सी। आपको सेट लिखेंगे पहले पी का, 2, 3, 5, 7, 11 इंटरसेक्शन सी का लिखेंगे सेट, 4, 6, 8, 9, 10, 12 और ये चलते जा रहे हैं। अब देखें, ये प्राइम नंबर हैं वो जो सिर्फ एक वन पर और सिर्फ अपने टेबल्स पर डिवाइड होते हैं, और ये कौन से हैं, कंपोजिट नंबर्स, वो जो हैं अपने जो हैं बाकी जो बाकी टेबल्स पर भी डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या होगा, खाली सेट। देखें यहाँ पर 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ पर नहीं है, तो ये क्या होगा, खाली सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इफ ए सेट है ए सी डी एफ, बी है बी सी एफ जी एंड सी क्या है, सी एफ जी एच, देन फाइंड, तब आप बताएं कौन कौन से ए है, ए यूनियन बी यूनियन सी, और दूसरा उन्होंने बताया है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, दो उन्होंने आपको बता दिया, उन्होंने कहा है अगर ये सेट हो तो आप इनको सॉल्व करें। कॉपी पर आएंगे, पार्ट ए क्या है, ए यूनियन ब्रैकेट में है बी यूनियन सी, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए का सेट लिखेंगे पहले क्या है, ए सी डी एफ, और यूनियन किसके साथ करना है, बी यूनियन सी के साथ, उसके आंसर के साथ, पहले बी का लिखेंगे, बी सी एफ जी, यूनियन किसके साथ करना है, सी एफ जी एच। अब क्या करेंगे, पहले फाइंड करेंगे, ये ए का सेट वैसे ही रहेगा, ए सी डी एफ, पहले फाइंड करेंगे इन दोनों का आंसर, वो क्या होगा, चेक करते हैं, यहाँ पर बी है, बी लिखेंगे, सी दोनों में है, एक दफ़ा ही लिखेंगे, आगे क्या है, एफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, एफ लिखेंगे, जी और एच, ये क्या आ गया, इन दोनों का आंसर। अब क्या करेंगे, ए और इन दोनों के आंसर के साथ क्या करेंगे, यूनियन करेंगे, यहाँ पर है ए बी सी दोनों में, एक दफ़ा लिखेंगे, डी एफ जी और एच। नेक्स्ट पार्ट 2 में उन्होंने कहा है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब इसको फाइंड करना है, क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते हैं पहले, ए के साथ क्या है, ए सी डी और एफ, इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, बी क्या सेट क्या है, बी सी एफ और जी, और इंटरसेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, सी के साथ, वो क्या है, सी एफ जी और एच। तो करते हैं, ये ए का सेट वैसे ही आ जाएगा, ए सी जी एफ वैसे ही आ जाएगा, और इन दोनों का करेंगे तो क्या आएगा, बी, अब देखें यहाँ पर बी है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ सी है लेकिन वहाँ पर सी है, सी लिखेंगे, आगे क्या, एफ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एफ आएगा, और जी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है जी आएगा, ए सिर्फ यहाँ है वो नहीं आएगा। अब ए का और इन दोनों के आंसर का करेंगे इंटरसेक्शन, तो क्या आएगा, ए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, आगे सी, डी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, एफ यहाँ है और यहाँ पर है, तो एफ आ जाएगा, जी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो क्या आएगा, सी और एफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इफ एक्स एक्स सेट है कौन सा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 आगे 10 तक, वाई है 2, 4, 6, 8, 12 और सी क्या है 3, 5, 7, 11, देन फाइंड, तब फाइंड करें, दो उन्होंने आपको बता दिए हैं और कहा है अगर यही सेट है तो आपने फाइंड करना है। कॉपी पर आएंगे, पार्ट ए है ए यूनियन और ब्रैकेट में है वाई यूनियन सी, यानी कि पहले इन दोनों का यूनियन लेकर जो आंसर आएगा उसको यूनियन लेना है एक्स के साथ। तो करते हैं एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, एक्स का सेट पहले लिखेंगे, एक्स में क्या है 1, 2, 3 या कहाँ तक है 10 तक, नेक्स्ट किसका लिखेंगे यूनियन, ब्रैकेट में लिखेंगे वाई का, वाई में क्या है 2, 4, 6, 8, 12 ठीक है, आगे किसका लिखेंगे Z का, यूनियन Z है 2, 3, 5, 7, 11। अब क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे, X वैसे ही आ जाएगा 1, 2, 3, 10 तक, और इसको पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है,
यहाँ पर भी है सेम लिखने हैं, ये लिखना है यूनियन कर रहे हैं तो करेंगे टू, एक दफ़ा ही आएगा फोर, यहाँ पर थ्री पहले, फिर फोर फाइव सिक्स सेवन एट और यहाँ पर इलेवन और ट्वेल्व, ये क्या हो गया यूनियन। अब क्या करना है, इसका यूनियन करना है हमने एक्स के साथ, तो करके देखते हैं वन टू थ्री, क्या होगा टेन तक सारे आएंगे, आगे कहाँ है इलेवन और ट्वेल्व, तो इलेवन तक सारे आएंगे, ट्वेल्व तक फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन और ट्वेल्व, ये क्या है इसका यूनियन। नेक्स्ट है पार्ट टू में एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, इसके इंटरसेक्शन के आंसर के साथ हमें क्या करना है एक्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, करके देखते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी, एक्स का क्या है वन टू थ्री कहाँ तक है ये टेन तक, इंटरसेक्शन किसके साथ फाइंड करना है पहले टू फोर सिक्स एट ट्वेल्व और इंटरसेक्शन लेना है इसका किसके साथ टू थ्री फाइव सेवन और इलेवन का, तो करके देखते हैं ये एक्स वाला वैसे ही आ जाएगा, पहले इन दोनों के लेते हैं, देखें सेम क्या है टू यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, टू आएगा फोर यहाँ है यहाँ नहीं है नहीं आएगा, फाइव यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं आएगा, सिक्स नहीं है एट नहीं, सिर्फ क्या आएगा टू। अब देखें अब एक्स है वन टू थ्री टेन और इंटरसेक्शन किसके साथ करना है टू के साथ, तो सेम क्या होगा सिर्फ और सिर्फ टू, तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा टू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, इफ आर जीरो वन टू थ्री, एस सेट है जीरो टू फोर एंड टी क्या है वन टू थ्री फोर, देन फाइंड, तो फाइंड करें क्या क्या फाइंड करना है आर स्लैश एस टी स्लैश एस, इस स्लैश एस का मतलब है माइनस करना है हमने, ठीक है तो उन्होंने हमें दिए हैं और कहा है कि फाइंड करें, कॉपी बनाएंगे स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट वन पार्ट है आर स्लैश एस, तो इसका क्या मतलब है आर में से माइनस करना है एस को, तो क्या करेंगे पहले लिखेंगे आर का सेट जीरो वन टू थ्री, माइनस क्या करना है इसमें से एस, तो एस माइनस करते हैं जीरो टू फोर, माइनस करने का मतलब है कि जो एस के एलिमेंट्स हैं वो हमने क्या करने हैं आर में से निकाल देने हैं माइनस कर देने हैं। अब देखिए जीरो यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है ये निकल जाएगा, वन यहाँ पर नहीं है तो वन यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि वन इसमें से माइनस नहीं हुआ, टू यहाँ पर है टू यहाँ से माइनस हो गया टू निकल जाएगा, फोर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है कि जो थ्री है ये क्या रह जाएगा बच जाएगा, तो क्या आ गया वन और वन एंड थ्री। नेक्स्ट पार्ट टू है टी स्लैश एस, यानी कि क्या करना है टी माइनस एस, तो क्या करेंगे पहले टी का लिखेंगे वन टू थ्री फोर और माइनस क्या करना है इसमें से एस जीरो टू फोर। अब देखें वन यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वन माइनस नहीं होगा, टू यहाँ पर है यहाँ पर भी है टू माइनस हो गया, थ्री यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है थ्री माइनस नहीं हुआ, फोर माइनस हो गया, तो क्या आएगा वन वन थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है आर स्लैश टी, यानी कि आर माइनस टी, तो क्या करेंगे पहले R का सेट लिखेंगे वो क्या है जीरो वन टू थ्री और T का सेट क्या है वन टू थ्री फोर, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, देखिए जीरो है यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब है जो है वो जीरो रहेगा, वन माइनस हो गया टू भी माइनस हो गया थ्री भी है थ्री भी माइनस हो गया, तो क्या आएगा जीरो। नेक्स्ट है S स्लैश R, यानी कि क्या करना है S माइनस R, तो क्या करेंगे पहले S का सेट लिखेंगे जो कि है जीरो टू फोर, माइनस क्या करना है इसमें से आर माइनस करना है जो कि है जीरो वन टू थ्री, तो माइनस करें देखें जीरो जीरो माइनस हो गया वन, वन यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है टू यहाँ पर है टू भी माइनस हो गया, थ्री यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो फोर यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या आएगा फोर, जो फोर है वो इसमें से माइनस करके बाकी का रह जाएगा फोर।